क्रिप्टो पैसे की माइनिंग और ट्रेडिंग मार्केट के जोखिमों के अधीन है। इसमें निवेश करने से पहले हजार बार सोचे और फिर निर्णय लें। वीडियो में दिखाए गए सभी प्रकार के कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से फिल्माए गए हैं। भारत के आदर्श नागरिक होने के नाते हम सरकार के क्रिप्टो रेगुलेशन के सभी निर्णय को मानने के लिए कटिबद्ध है। क्रिप्टो का गलत काम उपयोग के हम सख्त विरोधी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत काम में ना हो इसका ध्यान रखने के लिए सबको अनुरोध है। इस रिग स्टैंड में टोटल 12 कार्ड आएंगे, 6 कार्ड हॉरिजॉन्टली एंड 6 कार्ड इंक्लाइन। सूरत से मोहित भाई और उनके फ्रेंड्स आए हैं और उनके लिए अभी हमने एक रिग बिल्ड किया है। रिग लकड़ी के फ्रेम जो है मैंने खुद ही यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है और इसके अंदर हमने 2060 के कार्ड यूज़ किए हुए जो कि 6GB के है और इसके अंदर हमारे को 32.28 MHz का स्पीड मिल रहा है। और इसके अंदर अभी हम इथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं। 3 महीने तक हम इसके अंदर इथेरियम की माइनिंग करेंगे, उसके बाद से हम इसको रेवन कॉइन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। रेवन कॉइन के अंदर हमारे को इसके अंदर जो हैश रेट मिल रहा है वो 24 MHz मिलेगा और रेवन कॉइन के अंदर अगर माइनिंग करें चाहे इथेरियम की माइनिंग करें, लेकिन दोनों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। तो 2060 कार्ड ऐसा कार्ड है जिसके अंदर आपको किसी भी कॉइन के अंदर माइनिंग करते हैं लेकिन आपका प्रॉफिट सही से बना रहता है। इसके अंदर हमने यूज़ किया हुआ है BT250 BTC का मदरबोर्ड और पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ है कोरसाई का 1000 वाट का पावर सप्लाई। राइजर्स इसके अंदर यूज़ किया हुआ है 9S के राइजर्स। गेमिंग के झोटा कंपनी के ये GeForce RTX 2060 के कार्ड है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर टीपी लिंक का यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर 4G सिम स्लॉट के साथ में ये टीपी लिंक का एक राउटर आया हुआ है। प्रोसेसर इसमें प्लेंटम का यूज़ किया हुआ है, रैम 4GB DDR4। इसमें हमने 4 NVIDIA RTX 2060 GPU यूज़ किया है सिर्फ GPU माइनिंग के लिए। CPU माइनिंग का इसमें हमने बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं की है। आप चाहे तो इसके साथ में ज़्यादा थ्रेड के प्रोसेसर यूज़ करके रैप्टरिंग माइनिंग भी GPU माइनिंग के साथ में कर सकते हैं, यानी कि दो कॉइन एक साथ CPU प्लस GPU से माइन कर सकते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने ब्लॉग में दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। NVIDIA के RTX 2060 कार्ड इथास अल्गोरिथम के ऊपर अगर आप इथेरियम या इथेरियम क्लासिक माइन करते हैं तो 20 MHz और मैक्सिमम आपको 32.28 MHz तक की आपको हैश रेट देंगे। अगर आप कापो अल्गोरिथम के ऊपर रेवन कॉइन माइन करते हैं तो 18 से 20 MHz मैक्सिमम आपको 24 MHz तक की हैश रेट देंगे, जो कि कुछ केसेस के अंदर आपके कार के मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है। इस रिग में अभी 344 वाट का पावर कंजप्शन है और 129 MHz का ये रिग का टोटल हैश रेट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कार्स चल रहे हैं और टेम्परेचर भी सभी का नॉर्मल है, फैन की स्पीड भी नॉर्मल है और जो हैश रेट मिल रहे हैं वो 32.28 का हैश रेट हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हैश रेट है 2060 कार्ड के ऊपर, इथेरियम के ऊपर। इस कार्ड की अच्छी बात यह है कि आप अगर इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाती है उसके बाद में आप उसे रेवन कॉइन के ऊपर भी माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा हैश रेट मिलेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कार्ड आप लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको रन कर पाएंगे। हमने इसमें 2 माइनर पूल का इस्तेमाल किया है और 2 माइनर के पूल के अंदर आप अपना सिंपली अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना हैश रेट है, कितना आपका कॉइन माइन हो रहे हैं और आपका अकाउंट सेटिंग पूरा आप यहाँ से कर सकते हैं। आप व्हाट टू माइन में जाके आपकी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 कार्ड इस्तेमाल किए हुए हैं 2060 के, तो हम अपनी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी यह चेक करेंगे। 2060 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है 4 कार्ड टोटल और हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी हमारे को माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर हमारे को यहाँ पर टोटल $7 मिल रहा है बिजली का कंजप्शन निकालने के बाद भी। मार्केट काफ़ी डाउन आया है इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम है, क्योंकि मार्केट पिछले 7-8 दिनों से तकरीबन 40% टूटा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर आपको माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी कम नज़र आ रही है, लेकिन ये ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है, इससे घबराना नहीं है। और ये कभी $10-15 के भी पार हुआ करता था, आज वो $7 है तो आगे भी बढ़ेगा।
इस रिग की टोटल प्राइस है 2,38,450 रुपये, जिसमें मदरबोर्ड 15,000 रुपये, प्रोसेसर 5,200, सीपीयू फैन 450 रुपये, रैम 2,000 रुपये, जीपीयू जिसके अंदर 4 GPU लगे हुए हैं, पर GPU 49,000 रुपीज़ प्राइस इसकी, जो कि दिसंबर महीने की प्राइस है। ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। रिक्का स्टैंड 850 रुपये, पेन ड्राइव विथ हाई ओएस इंस्टॉलेशन 600 रुपया, पावर सप्लाई 16,500, राउटर 4,200 रुपया। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो सकती थी राउटर के अंदर, ये थोड़ा महंगा हुआ है। ये यहाँ पर 3,000 के अंदर भी ये राउटर आपको मिल जाएगा विथ 4G सिम स्लॉट के साथ में। राइजर्स 950 रुपया पर राइजर, जिसमें हमने 9S का राइजर यूज़ किया हुआ है। ये आपको 700 रुपये से स्टार्ट होता है और 1,000 रुपये के बीच में आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आपको राइजर मिल जाएंगे। PCI स्प्लिटर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, एक का प्राइस है 350 रुपये। वैसे यहाँ पर दो यूज़ किए हुए हैं। रिग बिल्ड का चार्ज है वो 3,500 रुपये है। टोटल प्राइस 2,38,450 रुपये। ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, आज की डेट में इस प्राइस के ऊपर ये रिग बनी है। तो इस तरीके से आज हमने 2060 की माइनिंग रिग बिल्ड किया हुआ है। और अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक है दोस्तों, जय हिंद।